नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी राजस्थान वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बता दें, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दोस्तों 2022-23 का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। दोस्तों इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 25 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें नौकरियों से लेकर फ्री बिजली और दोस्तों महिलाओं को टच फोन से को लेकर भी दोस्तों बड़ी घोषणा की गई है। यहाँ पर आपको बता दें, राजस्थान बजट की सीएम गहलोत ने दोस्तों बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और 1.33 करोड़ महिलाओं को दोस्तों स्मार्टफोन देने की बात भी की गई है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से बहाल किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा शहरों में रोजगार के लिए की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाली 100 दिन का रोजगार मिलने वाला है। इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो है वो बहाल करने की घोषणा की है। 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यानी कि जो DLC है, इस रेट 10% की जगह केवल 5% ही बढ़ेगी। गहलोत ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की घोषणा भी की है, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बताया गया है। जयपुर में फेज 1 का विस्तार, बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के होगा। वहीं आंगनबाड़ी दोस्तों अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 मेट्रो ट्रैक की डिटेल जो प्रोजेक्ट है वो रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनने वाला है। लोगों के काम समय पर राजस्थान में हों, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का प्रावधान इस एक्ट के तहत होगा। बजट में कोई भी नया टैक्स सीएम गहलोत के द्वारा नहीं लगाने की घोषणा की है। साथ ही एजुकेशन लोन के दस्तावेज दिखाने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों आगे जो भी जानकारियां रह गई हैं, हर जानकारी से आपको इस चैनल पर अपडेट करवाता रहूंगा। आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें तथा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।